पिया दुलार सॉन्ग वायरल हुआ है मेरा, तो खेसारी भैया मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपने साथ मुझे गवाए हैं, छठ गीत आने वाला माल को कैसे कर दे रहे हैं, धुआं उठ रहा है थोड़ा दिखाइए तो, धुआं 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 क्यों कर दे रही माल को? नहीं वो ऐसे उसका वो टेक्निशियन ही है ऐसे। सोन सिंह भी तो आपके गाना गाए हैं, उनके लिए क्या होगा? केक ना लगावे दे हब गालिया में। और कौन कौन से कंपनी के लिए आप गाना दे चुकी है अभी तक? जैसे बहुत सारे कंपनियों के लिए। कै को गाना का ऑफर आया अभी? वो भी 10 और 50 इतने इतने गाने। मतलब लगातार गाना अब चल रहा है आपका? हाँ अब लगातार चल रहा है। स्टार बन गई है अभी की बाकी है? अभी तो बाकी, अब भगवान के ऊपर। अब लगातार गाना आ रहा है तो स्टार तो हो ही गई है ना? हाँ तो गाना आ रहा है, मगर मेरे जो मेरे खुद का गाना है वो तो ब्लॉक है ना, वो गाना बजता तो मुझे थोड़ा और खुशी होता। अच्छा बिकी जादो क्या बोले हैं, जो गाना ब्लॉक हुआ है तो क्या वो चालू करवाएंगे? बोले तो हैं कि हम पूरा जैसे आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और ये गाना खुलवा कर रहेंगे। खुलवा कर रहेंगे गाना? हाँ पक्का? एकदम पक्का, वादा किए हैं, अब देखते हैं। अच्छा जो लीगल जो स्ट्राइक मारते हैं उनके लिए क्या कहोगी, कुछ रहेगा संदेश कुछ रहेगा? अब उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूं? कुछ तो बोलो कि छोटे छोटे कलाकार के गाना मत चुराओ यार, या स्ट्राइक मत दो, अपने दम पे कमाओ। हाँ हमारा खुद का भाव है ना, इसमें किसी का शब्द है ना किसी का भाव है, हम लोग अपना खुद का बना कर गाए हैं और अपना खुद का कंपोज किए हैं, इसमें किसी का भी कोई हक नहीं है, चाहे कोई स्ट्राइक मारे या कोई हम लोग को दबाए जाए, ऐसा आप लोग मत करिए। आप लोग सपोर्ट ना कर रहे हैं तो ऐसा दबाया भी मत करिए कि किसी को हम लोग दबा दें। अच्छा एक एक मैं देख रहा था आपका, आप दोनों का लाइव मैं देख रहा था कि खेसारी जी ने आपका गाना उठा के गाया है, तो कौन सा गाना आपका उठा के खेसारी जी गाए बताइए? पवन सिंह भैया, जैसे पवन भैया गाए थे पिया दुलारे पर, सुनाई हूँ कि... वो तो सुनाई हो, लेकिन खेसारी जी का आप दोनों जो एक लाइव में मैं देख रहा था खेसारी जी उठाए हैं गाना, तो कम से कम नाम तो लीजिए, कम से कम एक गाना तो गाइए खेसारी जी के साथ। आप बोल लोग, दोनों लोग बोल रहे थे। सारे भैया गाए थे, मेरा सिंगल सॉन्ग था कि जुग जुग जियस हमार राजा। कैसे आपका गाना था, गा के बताइए? जुग जुग जियस मोर राजा, मन भर दे ले खूब मजा, लाइट जब कटे हो जैसे देवलिया पो सहट छिप कहलिया, ओ सही बलमुआ हमार सटे। इसी पर खेसारी भैया गाए थे कि केक ना लगावे दे हब गलिया में, केक ना लगावे दे हब गलिया में, जैसे पूरा भाव उठाकर गाए थे, मगर मुझे कोई दुख नहीं है। और पिया दुलारे सॉन्ग वायरल हुआ है मेरा, तो खेसारी भैया मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपने साथ मुझे गवाए हैं, छठ गीत आने वाला है उनके साथ। मतलब खेसारी जी के साथ में गाना हो गया है? हाँ गाना हो गया है और आने वाला। कब आएगा, कब रिलीज होगा? छठ गीत है तो हो सकता है कल परसों। तो यानी खेसारी जी सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ मुझे कर रहे हैं। लेकिन लाइव में तो बोल रही थी खेसारी जी मेरा गाना उठा के गा दिया, सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो बोली थी कि सपोर्ट करिए, जैसे कि उसमें भी ड्यूट करवाए थे, मेरा सिंगल सॉन्ग था तो भाव उठाकर गाए थे, तो उसमें ड्यूट किए थे, तो लड़की की जगह मुझे गवाना चाहिए ना, उनका भी गलती है, मगर मैं अब जैसे कि अब कोई बात नहीं है, अब मुझे जैसे अपने साथ गवाए हैं अब। अच्छा खेसारी जी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको सुन रहे थे क्या, यहाँ से कहोगी खेसारी जी के लिए? भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और मैं चाहूंगी कि इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मुझे। पवन सिंह भी तो आपके गाना गाए हैं, उनके लिए क्या होगा यहाँ से? पवन भैया भी गाए हैं मेरा भाव, मगर उनको भी यही कहूंगी कि वो भी शिवानी सिंह से गवाए हैं, ये गलत बात है, क्योंकि मेरा भाव है तो अब क्या ही बोलू। क्या दिक्कत हो रहा है, मेरा वीडियो देखते हैं पवन सिंह देख रहे हैं तो यहाँ से आपका संदेश जाएगा, बताइए क्लियर क्या बोलना चाहती है पवन सिंह से, क्या कहोगी? यही कहूंगी कि पवन भैया आप मुझे भी सपोर्ट करिए, खेसारी भैया भी सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी करिए मुझे सपोर्ट, क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा पवन सिंह कौन सा गाना गाए, एक बार फिर से सुना दीजिए कौन सा गाए थे आप? कि चला चुनरी चढ़ावे ए धनिया, चला चुनरी चढ़ावे ए सॉन्ग, बस इतना ही याद है पंच लाइन बस। आपका कौन था? कि सखी पियावा दुलारे आए हाय रे, सखी पियावा दुलारे मेरा ये था।
चलिए बहुत सुंदर गाती है करिश्मा कक्कर, आने वाले दिनों में ये सुपरस्टार है। जब मैं बोल देता हूँ गंगा न्यूज पे तो वो ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हीरोइन लोग हैं, यहाँ शूटिंग सेट पे कैसे किस तरीके से ये बाल बनाती है ये सबका। अच्छा ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? दिव्या नाम है। इधर इधर कैमरे पे, कैमरे पे। दिव्या नाम है। दिव्या नाम है। आप बाल को कैसे कर दे रहे हैं? धुआं उठ रहा है, थोड़ा दिखाइए तो। धुआं 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 क्यों कर दे रही है बाल? नहीं वो ऐसे उसका वो टेक्निशियन ही है ऐसे ही। अच्छा यहाँ देख सकते हैं हीरोइन है, क्या नाम है आपका? सिमरन श्रीवास्तव। अच्छा सिमरन जी आपका बाल धुआं धुआं कर रही है, जलने का खतरा नहीं है? नहीं वो मशीनी ऐसी है। मशीने है, पूरा बाले खत्म कर देंगे तो हीरोइन का तो सारा काम खत्म हो जाएगा। बिग लगवा लेंगे, बिग लगवा के काम करेंगे। अच्छा कौन कौन से गाने में अभी आप काम कर चुकी हैं? मैं वो शिवानी जी का सोलो सॉन्ग था उसमें की हूँ, शिल्पी दीदी का की हूँ, नाम वो मुझे नाम तो नहीं याद है, मैंने उनका किया था सोलो, जेपी म्यूजिक पे चढ़ा है और आराध्या म्यूजिक पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देख सकते हैं करिश्मा कक्कर जी थी, जो कि अपने गाने के माध्यम से खूब धूम मचा रही है। अब मेरा भी आशीर्वाद रहेगा खूब आगे जाए और खूब ऐसे गर्दा गाना गाते रहिए, लेकिन अश्लील मत गाइएगा करिश्मा जी। नहीं मैं शुरू से साफ सुथरा सॉन्ग गाती हूँ, आप लोग मेरा कोई भी सॉन्ग उठा कर देख लीजिए। शुरू में ही मैं गाई थी हमारा कूलर लगवा दी, 200 मिलियन गया था, और तभी से मैं साफ सुथरा सॉन्ग गाती हूँ। कभी नहीं ना गाना है? नहीं कभी नहीं, कसम सरस्वती माता कसम खा लूं तभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ करिश्मा कक्कर जी थी, जो हमारी बातचीत हो रही थी गाने को लेकर के। तो आप हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।